आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुनो जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ, कि इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटकती गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस नगर से हजार निकले थे उसमें इस्राएल के घराने के सौ ही बचे रहेंगे, और जिससे सौ निकलते थे उसमें दस बचेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, और बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, न बर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में आ जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मुर्ग शिरा का बनाने वाला है, और घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, और दिन को अंधकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देगा और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। वे उससे बैर रखते हैं जो सभा में उलाहना देते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगाल को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु पीने न पाओगे। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्र को न्याय बिगाड़ते हो। समय तो बुरा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यो कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे, और वे किसान विलाप करने को और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं वे रोने पीटने को बुलाए जाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वह घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं, चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्न बलि चढ़ाओ, परंतु मैं प्रसन्न न होऊंगा और न तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। न्याय तो नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहता जाए। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।